चद्दर ओढ़ के रात को सो रहे हैं और सोच रहे हैं कोई देख तो रहा नहीं रहा, लाइट बंद हो गई। चुपचाप अपने अंडरवियर में हाथ डाला और मसलना शुरू कर दिया। अरविंद मेरा साथी मुठल यूनिट का प्रेसिडेंट है। जी हाँ, इन्होंने सिंगल लॉन्डे का एक्स्ट्रा सुकून बंद करने का स्कैम शुरू किया है इंस्टाग्राम में। फिर क्या अरविंद भाई को सस्ता फेम का नशा चढ़ गया, और क्या मास्टरबेशन जैसे टॉपिक में ज्ञान चोदना शुरू किया। फिर क्या होना था, तुम्हारे हमारे जैसे लॉन्डो के बीच में अरविंद भाई फेमस हो गए। किताब लेके पढ़ने बैठा था, जरा सी नजर हट गई, तब मुट्ठी मार दी मिनट से पहले। आज तक कंफ्यूज था कि जब मोटे लोग मुट्ठी मारते तो आवाज कैसे आता होगा। आज अरविंद भाई ने क्लियर कर दिया, तब 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 तब। अरविंद भाई के डिक्शनरी में बस एक ही चीज आता है, हस्त मैथुन और तब 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 तब। एक घंटे से पहले गिर जाए ना तो नुस्खे के पैसे भी मेरे से ले लेना भाई। ऐसा उपाय बता दो 45 मिनट से पहले ना गिरे। भाई 15 मिनट तो पहले गिर चुका है, एक घंटे से 45 मिनट, अब क्या 45 सेकंड में आएगा। और ये कैसा नुस्खा है जो जापानी तेल को भी फेल कर रहा है, अब क्या घोड़े बना के मानेगा। दो हरी इलायची, दो लौंग और छोटा सा अदरक मुँह में डाल लो जब आप करने जाएं। अबे अरविंद भाई, चाय के मसालों को संबोक में कैसे जोड़ दिया, इस हिसाब से तो मेरा टाइमिंग सुबह से शाम तक होगा, अबे घोड़ा थोड़ी हूँ। ये है दोस्तों मसूर की दाल छोटी वाली, रात को भिगो लेना है सुबह पीस के। जिसका फेवरेट मसूर की दाल है उसका टाइमिंग तो साल भर होगा, अपनी घर वाली को ना बाहर जाने देता होगा ना कुछ करने देता होगा, घर से भी बाहर साल भर में एक बार निकलता होगा। मसूर की दाल खाने से टाइमिंग बढ़ता ना तो पंसारी के लड़कों के लिए जीबी रोड में 10 कोठा अलग से बुक करना पड़ता। ऐसा नुस्खा बता दो जो एक घंटे तक रुके। एक गिलास लो दूध, आधी से आधी चम्मच डालो उसमें हल्दी, और दो लो मीठे बतासे, एक लो लौंग और एक किलो गुलाब जामुन, और उसका लेप बना के अपने गांड में रगड़ो। इतने देर में तो रील्स वाले अपने कपड़ा नहीं बदलते जितने देर में ये अपना नुस्खा बदल रहा। ये आदमी अपने नुस्खे पे नहीं टिक रहा, इसका क्लाइंट बेड में क्या ही टिकेगा। खोके पे क्या कर रहा था भाई, सिगरेट ले रहा था है आंटी से। आंटी जल्दी दे दो कोई देख लेगा। साले तेरे पीछे नहीं खड़ा था मैं, तूने देखा नहीं मुझे। अरविंद भाई का कहना है कि ये सारे लौंडे को सही रास्ते पे लाएंगे, बस एक को छोड़ के खुद को। अरविंद भाई ने सारे लौंडे के टट्टों पे जीपीएस फिट कर रखा है, तुम सिगरेट ले लो, तुम डब 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 कर लो, अरविंद भाई के पास हमेशा अप टू डेट रहता है। चलो भाई मीटअप रखते हैं, तुम्हारी चिप चेक करनी है जरा मुझे, फिजिकल चेक होगी वो। अरविंद भाई मेरा चिप तो पहले से ही एरर दिखाता है, अगर अंगूर में सच में ऐसा कुछ चिप लग जाए तो सबसे ज्यादा डिफॉल्ट तो अरविंद भाई खुद का ही होगा। अरविंद भाई उन्हीं में से है जिनके हाथों में कोई रेखा नहीं होता, तभी तो इनके हाथों की रेखा की तरह इनके दिमाग भी खाली है। जब भी डिस्ट्रेक्शन आए और लगता है कि फोन आपको डिस्टर्ब कर रहा है, भाई कितना भी इम्पोर्टेंट फोन हो, अमेरिका से हो, लंदन से हो, इंडिया में कहीं से भी हो, एयरप्लेन मोड पे लगा दो, बात खत्म। काश अरविंद भाई आपके वीडियो में भी एयरप्लेन मोड लगा पाता। अच्छा बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता आप हिलाते हो, सही बताना। अच्छा अपनी चिंता नहीं करते, माँ बाप के बारे में तो सोचते होंगे, खून पसीने की कमाई से वो आपको दूध दही पिला रहे हैं। देखो अरविंद भाई, मायोनीज में और दूध दही में कोई कंपैरिजन नहीं है, अपनी भी कुछ पर्सनल सेटिस्फेक्शन होती है। अगर मायोनीज निकलने से माँ बाप का इज्जत खराब होता है फिर तो खानदान बढ़ने से रहा। कैसे ढीला सा हो रहा है, सोफे पे बैठा है, दिन छिप रहा है। नहीं अरविंद भाई, अभी तो स्टील रोड से भी ज्यादा हार्ड है। इस आदमी का रील्स देखने लग जाओ ना तो एक टाइम को तुम्हें लगेगा ये आदमी तुम्हारे बगल में आके बैठा है, कभी दब दब, कभी नुस्खा, कभी ढीला, साला एक ही तो जिंदगी है, उसमें भी ये आदमी गांड में दिमाग की तरह बैठा, सबका मुट्ठी बंद करके खुद मजे से करना चाहता। अरविंद भाई सच बताना, अब तो पानी जैसा निकलता होगा ना, वो भी 3-4 बूंद। अब डर लग रहा है, पहले तो 4 बार डप टप 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 मशीन चला रहा है। अरविंद भाई आपका ही नुस्खा ट्राई कर रहा होगा, तभी तो 4 बार दब 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 कर लिया, क्योंकि अरविंद भाई के लाइफ से दब दब और राखी सावंत के लाइफ से कंट्रोवर्सी निकाल दो ना तो इनका करियर सेम है। एरर 404। शाम होते ही दारू के कीड़े पेट में कूदने लगे, ऐसा आप बोलते हैं ना, कीड़े आ रहे हैं सर अंदर से, कीड़े दारू मांग रहे हैं, शाम होते बियर मांग रहे हैं। अपने घर से ठेके तक दौड़ लगा के जा तो सही दौड़ लगा, अगर साले तेरा मन कर जाए पीने का। अरविंद भाई पर ठेका तो अपना ही है, और क्या लॉजिक मारते हो कि ठेका तक दौड़ के जाने से पीने का मन नहीं करेगा। लड़के चाय के लिए कितने किलोमीटर चल के जाते हैं, फिर भी ये तो दारू है। और तुम्हें क्या लगता है कि ये सब ज्ञान बस अरविंद भाई देते हैं, अब हाकिम साहब से मिलो। पलंग तो टैबलेट की शर्त बहुत है, पहली शर्त बेड मजबूत होना चाहिए, कमजोर बेड होगा शिकायत हमारे पास आएगी। पिछले हफ्ते एक लेडीज का कॉल आया, हकीम साहब आपकी पलंग तोड़ से हमारा नया का नया जैस का बेड टूट गया है, मार दिया उसके हस्बैंड ने उल्टे सीधे झटके। अरे हकीम साहब, जापानी कैप्सूल में कौन सा शिलाजीत भरते हो जो लौंडे उल्टा सीधा झटका मार रहा है। ऐसे ज्ञान देने वाले हजारों है, पर रोस्ट हमने इन दो को किया। अगर तुम लोग को वीडियो अच्छा लगे तो तुम लोग कमेंट कर सकते हो कि ये सब वीडियो और चाहिए। मैं
बना लूंगा। तो आज का ये वीडियो यही एंड करते। अगर तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और तुम लोग चैनल पर नए हो तो वो जो सफेद कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं चलता हूँ, मिलते अगले वीडियो में।